अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो लास्ट सेशन हुआ था वो था ओपन पाइथन का, तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सो पहले जो चीज़ें हैं हमारे पास वो ये है कि जैसे उसमें होता है सी प्लस प्लस में प्राइवेट पब्लिक ऑर्बिटेटरी एट्रीब्यूट्स होते हैं। पाइथन में इस तरह के कीवर्ड तो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हमारे पास कुछ सिंटैक्स की चीज़ें हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है, ये क्लास का एट्रीब्यूट है, ये प्राइवेट है, पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है। तो उसकी कन्वेंशंस ये हैं कि जो पब्लिक एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके साथ उसमें सिर्फ नेम आता है, कोई अंडरस्कोर ना प्रीफिक्स में होता ना सफिक्स में होता है। और जो प्रोटेक्टेड होते हैं उनमें एक अंडरस्कोर आता है नाम के साथ, ठीक है। और जो प्राइवेट होते हैं उनके साथ दो अंडरस्कोर आते हैं स्टार्ट में। सो क्लास है हमारे पास, देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन किस तरह होती है। क्लास पर्सन की क्लास है जो कि सिंपल क्लास है, कोई इनहेरिटेंस नहीं है इसमें। इसमें हमारे पास दो तरीके होते हैं आपकी जो एट्रीब्यूट्स है ना उनको इनिशियलाइज करने का, ठीक है। आप एक तो इनिट फंक्शन के अंदर कर सकते हैं या क्लास के किसी भी फंक्शन के अंदर कोई भी क्लास के एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप क्लास की डेफिनेशन के बाद किसी फंक्शन के अंदर नहीं बाहर ही कोई भी एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, तो वो जो है ना वो क्लास का पार्ट बन जाएगा। अच्छा, अब इसका जो कंस्ट्रक्टर है। दो तरीके हैं एट्रीब्यूट्स बनाने के। पाइथन में कोई आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है अगर आप उसको एज ए एल आर्गुमेंट यूज करें, एज ए एल वैल्यू यूज। एल वैल्यू का मतलब क्या है? इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे अगर आप कुछ यूज करें, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा लाइन नंबर 2 के ऊपर से क्लास अंडरस्कोर एट्रीब्यूट इक्वल टू 0 बनाया। तो इक्वल टू 0 है वो राइट हैंड चीज क्या है? वो इंटीजर है, तो ऑटोमेटिकली जो क्लास एड्रेस और एट्रीब्यूट है उसको इंटीजर बना, ठीक है। इस तरह ऑटो होता है, तो ब्रैकेट में शायद यही हो रहा है। इसी तरह जब आप अच्छा बाद में आ रहे हैं, आप जब आप डेफ बनाया आपने अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, ये बेसिकली क्या होता है? कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप जितने भी सेल्फ डॉट करके बनाएंगे वो इसके एट्रीब्यूट बन जाते हैं, ओके। और बाय द वे आई एम अज्यूमिंग जो क्लास अंडरस्कोर एट्रीब्यूट है वो भी सेल्फ का एट्रीब्यूट है। हां यस, ठीक है। तो यहां पे आप सेल्फ करके डॉट करेंगे, और अगर सेल्फ डॉट नहीं करना हो तो आप सिर्फ अंडरस्कोर लेट्स से नेम का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है लोकल वेरिएबल बनेगा इस फंक्शन का, और जैसे आप इससे बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन अगर आप सेल्फ डॉट कर देते तो होता यह कि वो दिस के अंदर जाके देखता है, सेल्फ इज नथिंग बट दिस, अब देखता है अच्छा क्या इस नाम का वेरिएबल पहले मौजूद है तो उससे मैं उससे बात कर रहा हूं, वरना क्या होगा? वरना नया वेरिएबल बना, ओके। तो इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप इनिट के अंदर जो चीजें आपने डिक्लेयर करनी है आप डिक्लेयर करें, ओके। अदरवाइज आप किसी फंक्शन में भी जाकर डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर उसका ट्रैक करना मुश्किल होता है। यहां पर फायदा ये होता है कि आपको पता है इनिट में सारी चीजें मैंने ये बना दी, मेरी यहां पे जरूरत है, ओके। काइंडली ये बड़ा आराम से सीखें, ये बड़ी जरूरी चीज है, ओके। हमने आगे जाके न्यूरल नेटवर्क बनाने, और न्यूरल नेटवर्क बनाने में बेसिकली हमें एक क्लास ही बनानी पड़ेगी और एक न्यूरल नेटवर्क बनता है। आप उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क बनते हैं, ओके। और उनके आपस में कनेक्शन बनाएंगे वगैरह वगैरह, जो चीजें होगी जो भी मजा होगी, ओके। सो दिस वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ पाइथन जो आप सीख। तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है, ठीक है। आप जब उस सिंटैक्स से एक फंक्शन बनाएंगे तो वो एक कंस्ट्रक्टर के तौर पे वो उसको जो है वो आइडेंटिफाई करेगा कंपाइलर। सो उसमें उसकी जो है जनरल वही है कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट और आगे सेल्फ। सेल्फ ये बता रहा है कि ये जो फंक्शन है ये इस क्लास का फंक्शन है, ठीक है, इस क्लास का पार्ट है। तो अगर आपने कोई फंक्शन डिफाइन करना है क्लास के अंदर तो उसको आपका पहला एट्रीब्यूट सेल्फ का जाएगा, जैसे दिस होता है उसमें सी प्लस प्लस। तो उसके अंदर जो हमारे आर्गुमेंट्स, हाँ नहीं वो क्लास के अंदर ही रहेगा लेकिन वो बाहर से एक्सेस नहीं होगी, बाहर से एक्सेस नहीं होगी, हाँ वो अंदर यूज कर सकते हैं। अच्छा, बल्कि वो वाला फंक्शन हम सेल्फ के थ्रू भी एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो सेल्फ को पता नहीं हो बना हुआ जो क्लास है। अच्छा, इसमें कंस्ट्रक्टर है, फिर आगे डिस्ट्रक्टर है, उसके लिए वही है डेल का एक कीवर्ड है, वो इसे डिफाइन करता है। आगे जो है हमारा वही उसके अंदर वैल्यूज पास कर दिए, ठीक है, उसको इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यूज दे दी हैं, और जब भी कोई वैल्यू पास नहीं करूंगा तो ये वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी। ये जो अंडरस्कोर नेम है ये बता रहे हैं कि ये जो एट्रीब्यूट है ये प्रोटेक्टेड है। सो
लेक्चर जो है ऑलरेडी डिलीवर्ड है, तो इसलिए थोड़ा फास्ट पेस से जाएंगे। अच्छा आगे जो एक बात और बता दूं, जी ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के नाम होते हैं, तो जब पास कर रहे होते हैं तो वहां पर हम नाम की ऑर्डर बदल सकते हैं। हाँ ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो आपको नाम नेम इज इक्वल टू करना पड़ेगा जो वेरिएबल का आर्गुमेंट करने में। हाँ जी अच्छा आगे जो है हमारे पास, अगर इसकी हम डेफिनेशन को देखते हैं ना, तो यहाँ पर अगर ये देखो मैं यहाँ पर नेम इज इक्वल टू करता हूँ और यहाँ पर एज इज इक्वल टू करता हूँ, सही है। तो इसका मतलब ये कि जो पहला आर्गुमेंट है वो नेम के अंदर पास होगा, नेम के अंदर स्टोर होगा, और दूसरा वाला एज के अंदर होगा। लेकिन अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ, यहाँ पर सर कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल ठीक है, आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, लेकिन वो मतलब कंपाइलर का आइडेंटिफाई है कि कौन सी वैल्यू किस आर्ग्यूमेंट की है, क्योंकि आपने इक्वल टू के साथ असाइन कर दिया उसको। तो ये जो है ना आपका ये बिल्कुल सही है सिंटैक्स। अच्छा आगे स्टूडेंट में स्टूडेंट की क्लास है, जिस तरह हमने पहले क्लास पर्सन की डिफाइन की है, लेकिन ये जो क्लास है ये पर्सन से इनहेरिट हो रही है। सो ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस प्रेजेंट इन द पर्सन क्लास विल बी एक्सेसिबल इन दिस क्लास। और पाइथन में असल में जो इनहेरिटेंस होती है ना वो पब्लिक इनहेरिटेंस ही होती है, ठीक है। आप कोई जब भी क्लास इनहेरिट करते हैं ना उसके सारे एट्रीब्यूट्स आपके पास एक्सेस होती है, बशर्ते कि वो पब्लिक होने चाहिए। जब आपने अंडरस्कोर के साथ कोई आइडेंटिफाई उसको डिक्लेयर कर दिया तो आपको इस क्लास में एक्सेस नहीं होगी उसकी। अच्छा आगे जो कंस्ट्रक्टर के अंदर ये चीज़ है, सुपर का जो कीवर्ड है प्रोटेक्टेड की क्यों नहीं होगी? हाँ पहली वाली में हो जाएगी, आगे नहीं होगी। अच्छा ये जो सुपर का कीवर्ड है ना, ये हमारा जो इनहेरिटेड क्लास है ना, जिस जो पेरेंट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हम ये सुपर का कीवर्ड यूज़ करते हैं। सो ये बताता है कि ये जो सारा मतलब अब इस कंस्ट्रक्टर में आने के बाद सुपर के थ्रू मैं अपनी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे वो वाला कंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर ये सारे एट्रीब्यूट हटा के यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट लिख दूंगा ना, तो मेरे पास यहाँ पर जब भी वेरिएबल बनेगा तो मेरा स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और यहाँ पर आके मतलब वो कभी भी पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के पास नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने उसको स्टूडेंट का ही नाम क्लास का नाम दे चुका हूँ उसको। अच्छा आगे जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने देखी थी कि पाइथन में ऑपरेटर ओवरलोडिंग किस तरह होती है, सी प्लस प्लस में जिस जो इसका सिंटैक्स है उसमें आप ऑपरेटर जो होते हैं हमारे बाइनरी या यूनरी ऑपरेटर होते हैं वो लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जो हमारा इनिट या कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में जो भी कन्वेंशन है वही इसमें है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। जी कोई क्वेश्चन है? नहीं आपको यहाँ पर ये सुपर के थ्रू इसको बताना पड़ेगा कि हाँ कि आप मैंने ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना, एक्सप्लिसिटली नहीं होगा। अच्छा आगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ये इक्वल का ऑपरेटर है, ये नॉट इक्वल इक्वल का है, और आगे लेस देन ग्रेटर देन मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाती है उसमें। आप यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि मैंने कौन से वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना, यहाँ पर सिर्फ नाम लिखना पड़ेगा। हाँ उसके बाद पर्सन जो एम्प्लॉय जो है वो भी पर्सन से ही इनहेरिट हो रहा होगा उस केस में। हाँ अच्छा आगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, सिंपल मतलब इट्स जस्ट लाइक जैसे यहाँ पर हुआ है ना नेम और एज, ठीक है। अब ये जब सुपर किया ना तो इसको पता लग गया कि मैंने इनहेरिटेड जो क्लास है, ठीक है, जो मेरी बेस क्लास है उसके वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना। अब वो वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पर ये वाले एट्रीब्यूट्स देता है नेम और एज, तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा और मुझे यहाँ पास करने पड़ेंगे वाले एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जो चाइल्ड क्लास है उसमें, और फिर वो ऊपर वाला कॉल करेगा। वो कैसे कॉल होगा? अब वो जो कंस्ट्रक्टर है वो आई थिंक जो है पर्सन के थ्रू कॉल होगा। अब जो पर्सन है वो इनहेरिट हो रहा है ह्यूमन से, ठीक है, तो जो स्टूडेंट के अंदर वही वाले एट्रीब्यूट्स होंगे जो मतलब बेस क्लास में ह्यूमन में है, ठीक है,
तो मैं यहाँ पर जब भी पास कर दूंगा ना, तो वो अगर कोई ऊपर की क्लास होगी तो उसके अंदर भी सुपर डिफाइन हुआ होगा, ठीक है, कि उसने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। तो मुझे दोनों का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, मतलब दोनों के ना डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे ना, ठीक है। अच्छा, आगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, मतलब हम इसके ऊपर दोबारा से सेशन नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारा टाइम इससे स्पेंड कर चुके हैं। तो बस इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि ये हमारे इस तरह ऑपरेटर ओवरलोड होते हैं, और आगे जब इसको कॉल करते हैं ना, जिस तरह नॉर्मल ऑपरेटर कॉल करते हैं, तो वो वही वाला फंक्शन कॉल कर देता है उसको, ठीक है, और जो बाय इन दी एंड वो डिस्ट्रक्टर कॉल कर देता है साथ ही। अच्छा, अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि आपने जो भी पेरेंट क्लास है उसके अंदर कोई फंक्शन अगर आपने डिफाइन किया और उसको एब्स्ट्रैक्ट कह दिया, यहाँ पर लिखा हुआ, ये वो क्लास के ना डेकोरेटर होते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, तो जिस फंक्शन के ऊपर ये लिखा होगा ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इससे वो जो मेरी क्लास है ना वो असल में एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है, ठीक है। अब जो भी उसको इनहेरिट करेगा ना, उसको ये वाले फंक्शन रीडिफाइन करने पड़ेंगे। अगर वो रीडिफाइन नहीं करेगा ना, तो उस क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये इसमें ये चीज़ है, ए बी सी कोई एक डमी क्लास है, ठीक है, जिसको ये इनहेरिट कर रहा है, मतलब इसमें कुछ खास नहीं है, बस सिंपल एक बनी हुई। तो हमारा जो मेन आज का सेशन का मकसद है, वो पहले तो आपको फेमिलराइज कराना है, समझिए पास क्या कहते हैं, मतलब वो सिंपल फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है, नाम लिख दिया उसका, और उसके ना कुछ भी नहीं है, वो जस्ट के कंटिन्यू वो रिटर्न लगा हुआ नीचे, ठीक है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा ना, तो मुझे वो ना कहेगा कि मेरा वो जो फंक्शन है वो ख़त्म नहीं हुआ, तो तुम अगला फंक्शन शुरू नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर जो है ना, ये इस लाइन पर, मतलब ये फंक्शन की बॉडी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, यहाँ पर रिटर्न आना चाहिए या फिर कोई और स्टेटमेंट लिखी होनी चाहिए ऊपर, मतलब मैं कोई वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर कि ए इज इक्वल टू जीरो प्लस, और ये रिटर्न खत्म हो जाता है, अब कोई एरर नहीं आएगा, सही है। कुछ ना कुछ लिखना होता है आपको फंक्शन का नाम लिख के उसके आगे, या आप यहाँ पे इसकी जगह पे डॉट डॉट भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये मतलब ये डॉट डॉट का मतलब ये है कि बस अभी कुछ आने वाला है, लेकिन मैं अभी बता नहीं रहा क्या आएगा यहाँ पे। अच्छा, सो आगे जो है वो मेन मकसद की तरफ चलते हैं आज के सेशन का, वो ये है कि आप लोग को फेमिलराइज कराना है। तो हमने जो है वो आगे अब चलते हैं। आप लोग जो है अपने आईसीडी के कोर्स में शायद ये नंपाई और पेंडास कर चुके हैं, तो थोड़े लोग फेमिलियर होंगे इससे साथ, और सी इसमें सी एफ ई में भी आपने गुम को की थी, तो आपको लिस्ट वगैरह का अंदाजा होगा किस तरह काम करती है। तो असल में जो नंपाई एरे है वो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्शन हमें दी हुई है, लिस्ट के ऊपर एक और क्लास है, उसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन डिफाइन है जो यूजली हमें यूज़ करने पड़ते हैं डेटा साइंस में, या जो हमने ज़्यादा ऑपरेशन करते थे मैथमेटिकल अरेज़ के ऊपर, लेकिन फास्टली, क्योंकि जो नंपाई है वो बैकएंड पे जो ना वो सी प्लस प्लस में कंपाइल हुई है, वो बहुत तेज़ है, तो उसका जो ना वो एक ओवरव्यू कर देते हैं। सो इस तरह आप जो है पहले इम्पोर्ट नंपाई एज एन पी, आपने इम्पोर्ट कर लिया उसकी लाइब्रेरी को, और मैटप्लॉटलिब आ गया हमारे पास, और यहाँ पर जो है ना वो जो जुपिटर नोटबुक है ना वो आपको एक, मतलब अगर आपने किसी फंक्शन के बारे में पता करना है कि उसकी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, कौन से एट्रीब्यूट जाते हैं, तो उसका एक तरीका है कि फंक्शन का नाम लिखें, ठीक है, और आगे जाने की क्वेश्चन मार्क लिख दें, या पीछे इस तरह करके ना हेल्प, और आगे मैं कहता हूँ एन पी और एन डी, ठीक है। जब इसको चलाएंगे ना, तो उसकी जो फंक्शन की डॉग स्ट्रिंग है ना वो आपके पास आ जाएगी, और आप देख सकते हैं कि कौन से एट्रीब्यूट पास होते हैं और कौन कौन से फंक्शन है इस क्लास में।
अच्छा ये वाला इसका फॉन्ट नहीं बड़ा होगा, इसका इतना ही रहेगा। सो जिस तरह ये एक मेन फंक्शन है ठीक है, एन पी डॉट मेन, उसका हम देख सकते हैं कि उसके अंदर वो किस तरह काम करता है, उसके जो एट्रीब्यूट्स वाले उसका सीक्वेंस क्या होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं ये जो मेरा ख्याल नज़र नहीं आ रही चाहिए शायद, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि हर लेकिन बाकी सारी स्क्रीन बड़ी हो गई है। अच्छा आपका जो नंपाई का कोई भी एक अरे है ना, या आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर पड़ी होगी, एक उसकी शेप होगी ठीक है, और एक उसकी डी टाइप होगी, डेटा टाइप क्या है उसके अंदर जो भी वैल्यूज पड़ी हुई उनकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है इंट है या उसकी कोई और शेप है, और उसके अंदर कोई बफर होएगा ठीक है, ऑफसेट है स्ट्राइड है और ये ऑर्डर है। इसको अभी जो आपके लिए दो चीज़ें कंसर्न बनी हैं वो ये है कि उसकी शेप क्या है, उसकी डेटा टाइप क्या है ठीक है, जो मैटर करता है ज़्यादा। सो अब हम अपनी पहली नंबर एरे बनाते हैं ठीक है। सो हमने एक लिस्ट डिफाइन किया है 1 2 3 4 4.0, इसमें एक मतलब ये नंबर्स डाल दिए रैंडम, और वो वाली जो लिस्ट है वो हमने नंबर एरे ठीक है ये और ये मतलब उसकी जो क्लास मुझे बताया कि जो आपने लिस्ट बनाई है आपने एन पी डॉट एरे किया, उसके अंदर वो लिस्ट पास कर दी ठीक है, जिसको हमने नंपाई एरे में कन्वर्ट करना है, और आगे बता दिया कि इसके अंदर डेटा होगा उसकी टाइप क्या होगी ठीक है, तो वो हमारा जो वी है उसके अंदर वो एक नंपाई एरे में कन्वर्ट होगा। बाय डिफॉल्ट मेरा ख्याल वो डेटा को देख कर देगा, नहीं वो स्ट्रिंग मतलब अब जो मिक्स कर दिया उसको पता नहीं लग रहा कि उसने इंटीजर रखना है फ्लोट रखना है या स्ट्रिंग रखना है। आप इन स्ट्रिंग वाली की स्ट्रिंग की नंबर एरे तो बना सकते हैं सिर्फ स्ट्रिंग, वही वाला रहा है कि उसमें एक स्ट्रिंग एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है और उसको वो नम इंटरव्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ओके
इसकी डेटा टाइप देख सकते हैं आप डी टाइप करके, और अगर आप इसमें यहाँ पे शेप लिखें तो आपके पास उसकी जो शेप है वो भी आ जाए। ठीक है, यहाँ पर ये जो एक वेक्टर है जिसके अंदर सिर्फ फोर, उसकी एक वेक्टर है उसके अंदर चार वैल्यूज पड़ी हुई, ये दूसरी डायमेंशन है, ये एम्प्टी है। अच्छा, आप इसमें 2D अरेज भी बना सकते हैं। ठीक है, ये 2D अरेज बनी हुई है और यही मैं पास कर दूंगा इसको, तो यहाँ पर ये 2D अरे में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी शेप क्या होगी, 2x2 होगी, दो रोज दो का। अच्छा, एक और एक इस, जी अच्छा, इसमें ना हमारा जो नंबर रेज है ना, इसमें एक जो इसको ट्रवर्स करने का तरीका है वो नॉर्मल लिस्ट से अलग है। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो नॉर्मल लिस्ट में नहीं होते। अब जैसे एक इसमें है कि आप एक नई एक्सेज ऐड कर सकते हैं। अब आप नंबर रेज होती है ना, आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, जैसे लिस्ट को आप एक्सटेंड कर देना डॉट अपेंड करके उसका साइज बढ़ जाता है, इसमें वो नहीं होता। लेकिन इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग शेप है उसको, और इसमें ना नई एक एक्सेज ऐड कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास इसकी शेप है 2x2, ठीक है, और अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने ना इसमें एक नई एक्सेस ऐड कर दी। अब ये एक्सेस जो है ये रो वाली डायमेंशन में ऐड होगी। ठीक है, रो वाली डायमेंशन में ऐड होगी, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है वो वही रखे हो। अभी उसको चलाऊंगा ना जिसकी शेप देखना क्या होती है। अब पहले जो 2x2 था, ठीक है, उसने यहाँ पे किया, उसने एक वो ऐड की डायमेंशन, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना उसको कन्वर्ट कर दिया एक वेक्टर में। अब np.newAccess है ना, इससे आप 1D array को 2D में कन्वर्ट कर सकते हो, 2D को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो, 3D को 4D में, और किसी भी डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो इससे। हाँ, नहीं कर सकते आप, लिस्ट को कर सकते हो, आपको नई बना के उसमें कॉपी करनी पड़ेगी। अच्छा, और बाकी इसमें जो है ना वो और चीज़ें हैं कि आप किस तरह, मतलब इसकी वेरिएशन है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं कहता हूँ कि तुमने नंबर ऑफ रोज हैं वो तो वही रखनी जो इतनी है, इसके कॉलम अरे में ना एक तुम डायमेंशन ऐड कर दो। ठीक है, उनको चलाऊंगा ना, तो यहाँ पर जो है वो देखो, इसमें उसने एक उसे कॉलम कर दिया, कॉलम एक्स जीरो के, बाकी जो है ना ये मतलब काइंड ऑफ एक कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, उसके नंबर ऑफ रोज बढ़ चुके। अच्छा, अब इसमें बिल्ट इन फंक्शंस कुछ हैं। जब आपने प्लॉटिंग करनी होती है ना, तो आपको एक, अगर आपको एक अरे दी गया तो आपको दो एक्सेस चाहिए होती है उसके लिए। ठीक है, तो आप इसमें ना काफ़ी सारे फंक्शन हैं, जैसे एक है numpy डॉट ए रेंज का। ठीक है, मैं इसको दो वैल्यूज दूंगा तो मुझे एक रिटर्न कर देगा रेंज जो इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज होंगी सारी। अब ये देखो, मैंने इसका स्टार्ट किया 0 से और इसका जाना चाहिए 10 तक। अब 0 से लेकर 10 तक ये ना मुझे एक रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब इसमें बाई डिफॉल्ट जो है इसमें मेरा ख्याल नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो मतलब 10 होती है, बाई डिफॉल्ट 50 है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि मुझे 10 वैल्यूज चाहिए, तो वो इक्वली स्पेस जो है आपको 10 वैल्यूज चाहिए। अब जैसे एक ये लाइन स्पेस है, ठीक है, अब इसमें आप लॉग स्पेस भी कर सकते हैं कि आप जो वैल्यूज हैं वो लॉगरिथमिक स्पेस की वैल्यूज हों सारी। तो आप यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू देते हो, एंड वैल्यू देते हो, उसका नंबर ऑफ वैल्यू देते हो, और आप एक बेस देते हो। ठीक है, जब जो आपकी इसमें जो है ना, इस तरह होता है कि जो बेस है ना, बेस की पावर स्टार्ट वैल्यू, जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं वैल्यू को लेना। ठीक है, अब जैसे ये np.e है, तो e पार 0 1 होता है। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करेगा, 1 से लेके उसने जो है ना वो यहाँ पर मुझे 10 वैल्यूज देनी है। ठीक है, तो वो e की पावर करता रहेगा सारी वैल्यूज को, तो वो ये वाली वैल्यू समझ लेगा। और इस तरह ही आप np.random कर सकते हो। रैंडम वैल्यूज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होती है ना वो
मतलब एक इस तरह कर्व होता है कि एक उसकी जना हाईएस्ट पॉइंट होता है, बाकी सारे वो दोनों तरफ जना वो लोएस्ट पॉइंट होते हैं। तो इससे आपको जना वो एक रैंडम वैल्यूज आती हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, और आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी डायमेंशन में। जैसे यहाँ पर जना मेरे पास 24 वैल्यूज थी, तो मैंने इनको क्या कहा, मुझे दो फेसेस दो, ठीक है, दो चैनल दे दो, और हर एक चैनल के लिए तीन जो है ना वो रोज होने चाहिए और चार कॉलम होने चाहिए, तो उसको वो रीशेप कर देगा इसमें। अब बैकएंड के ऊपर ना नंपाई अरेज के अंदर ना असल में डायमेंशन इस तरह होती है, हमारे पास सिर्फ आइटरेटर्स होते हैं जो उन डायमेंशन को आइटरेट कर रहे होते हैं। बैकएंड में सिर्फ एक वेक्टर ही पड़ा होता है, ठीक है। अब जैसे हमने C++ में CFP में देखा था कि आपको कोई भी 1D अरे मिले, ठीक है, तो आप उसको 2D की तरह एक्सेस कर सकते हो, या 2D आपको वो हम वैल्यूज हैं तो आप उसको 1D में कन्वर्ट करते हो, वो जो जो मैपिंग है ना ये हो जाती है। तो इसमें नंपाई में भी ना एक वेक्टर ही पड़ा होता है बैकएंड में, जिसके आइटरेटर्स होते हैं, उसकी जितनी भी डायमेंशन होगी ना हर डायमेंशन के लिए एक आइटरेटर रखा होगा उसमें। तो आप इसको स्टडी कर सकते हो, इसमें और काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं इंटरनेट के ऊपर। अच्छा, आप इसको जीरो इनिशियलाइज्ड नंपाई अरे भी बना सकते हो। मैंने इसे कहा np.0s, और यहाँ मैंने डायमेंशन दे दी, एक ट्रिपल के अंदर मुझे इसमें 3 रोज चाहिए और 4 कॉलम चाहिए, ठीक है, तो वो आपको एक नंबर दे देगा। और जो बाय डिफॉल्ट है डेटा टाइप वो फ्लोट है, और इस तरह आप np.1s भी कर सकते हो, और np.identity मतलब उसका जो एक डायगनल है वो 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। और एक इसमें होता है कि np.ArrayLength, ठीक है, आप उसको एक अरे पास करते हो, उसे कहते हो कि मुझे इस अरे की तरह की एक और अरे बना दो, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली उसकी कॉपी बन जाती है। अब ये डायगनल है, इसमें आपने पूरी अरे नहीं दी उसको, ठीक है, आपने कहा कि डायगनल में सारी वैल्यूज डाल दो, बाकी डायमेंशन में खुद ही मैनेज कर लेगा। और np.source टाइप है, ठीक है, सपोर्टेड टाइप्स हैं, और जितनी भी टाइप्स में नंपाई में होती हैं, जैसे int32 है, int64 है, float32, float64, तो वो सारी चीज़ें आपको लिस्ट हो जाती हैं, आप डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क की जो कंप्यूटेशन होती है उसमें आपको लंबी लंबे लंबे फ्लोट वैल्यूज होती हैं उसमें, तो आप जो है वो यूजली उसमें इसमें जो है वो float64 कर रहे हो, ठीक है, या कभी कभी आप u32 यूज़ कर रहे थे। अच्छा, अब मैंने बताया था जिस तरह के कुछ जो है ना वो एट्रीब्यूट्स हर नंबर अरे के साथ अटैच होते हैं, जैसे उसकी डायमेंशन है, उसकी शेप है, उसका साइज है, और वो कितनी मेमोरी ले रहा है, ठीक है। तो आपने अगर ये एक डिफाइन करो एक अरे, तो मैं उसके लिस्ट कर सकता हूँ कि उसकी डायमेंशन क्या है, उसके नंबर ऑफ डायमेंशन कितनी है, उसकी एग्जैक्टली शेप क्या है, उसका साइज क्या है, नंबर ऑफ बाइट्स कितनी एलोकेट कर रहा है, ठीक है, और उसके नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, तो ये सारा कुछ लिस्ट हो जाएगा। उसके अंदर 3 डायमेंशन है, क्योंकि हमने डिफाइन की थी 2, 3 और 4, मतलब दो चैनल, हर चैनल के अंदर जो है ना वो 3 रोज थी और 4 कॉलम थी। उसके अंदर टोटल वैल्यूज 24 हो जाएगी, मेमोरी जो कंज्यूम हो रही है वो 8 है, ठीक है, और जो टोटल मेमोरी जो पूरी अरे में कंज्यूम किया वो 192 है। अब इसकी जो इंडेक्सिंग है ना नंबर अरे की, वो डिफरेंट है आपकी जो लिस्ट है उससे, तो देखते हैं किस तरह डिफरेंट है। अब मैं एक रैंडम अरे बना लेता हूँ, ठीक है, np.rand8 से मैंने उसने बता दिया कि मुझे जो ना वो इतनी वैल्यूज चाहिए, ठीक है, और इतने मतलब यहाँ से 0 से लेकर मैं यहाँ तक जाना और इतने नंबर ऑफ सैंपल चाहिए, तो वो रैंडमली वैल्यूज निकाल देगा। अब इंटीजर का सेकेंड इंडेक्स जिस तरह हम लिस्ट में करते हैं वही है, वो हमारे पास 4 है, 16 और यहाँ पे अब वो तो यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगा, क्योंकि सेकेंड वाला। अब इसमें देखो, यहाँ पर मैंने इसे कहा कि np.arrange दो 1 से लेके 46 तक, तो 1 से लेके 45 तक की रेंज दे देगा मुझे, लास्ट वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। अब मैं कहता हूँ ये जो भी एरे आ रही है ना इसकी, इतनी इसकी मुझे डायमेंशन चेंज कर दो इसमें। अब मैंने इसे कहा reshape 3 -1। अब -1 का मतलब ये है कि मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे 3 नंबर ऑफ रोज चाहिए, कॉलम आपने उस हिसाब से मैनेज करना है खुद ही, ठीक है, तो वो खुद ही जो है ना वो उसको मैनेज कर रहे थे कि उसने कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बना रहे हैं, मैंने सिर्फ रो बता दी। अब मैं इसको ये नहीं कर सकता -1 -1, ठीक है, मुझे एक डायमेंशन उसको बतानी थी, बाकी वो उस हिसाब से मैनेज कर रहा था, क्योंकि उसको ये बात पता है कि मेरे पास इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और
और पॉसिबल डायमेंशन इसके साथ ये बन सकती है, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रो और तो कॉलम होते हैं, ठीक है। मैंने आपको रो स्पेसिफाई कर दी तो वो कॉलम कॉलम खुद ही ढूंढ लेगा कितने कॉलम्स बनते हैं। तो मैंने ऐसे कह दिया कि ये इसको तो इसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो इसमें तीन रोज आ जाएंगी और माइनस वन जितने भी कॉलम बनते हैं उतने आ जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पर देखो, अब इसमें इंडेक्सिंग जो है जैसे लिस्ट में होती है माइनस वन लास्ट पहली आ जाती है, माइनस टू सेकेंड लास्ट आ जाती है। इसमें इस तरह होता है कि आप दो इंडेक्स दो माइनस वन माइनस वन, तो वो लास्ट यहाँ पे लास्ट रो का लास्ट कॉलम में जो पड़ा रहती है वो उठा दिया। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग लिस्ट की तरह नंबर लिस्ट भी होती है। और यहाँ पर मैंने लास्ट रो उठा लिया माइनस वन से। अच्छा जो हमने एक 3D array बनाई थी ऊपर क्रॉसियन वाली, वो उसके साथ कुछ ऑपरेशन करते हैं। अब हमारे पास ये 3D array है, ठीक है, जिसके अंदर तीन डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं माइनस वन करूँगा तो फर्स्ट एंगल उठा लेगा, ठीक है, फर्स्ट एंगल। और माइनस वन करूँगा फर्स्ट आएगा, माइनस टू करूँगा तो सेकेंड चैनल जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ मैं एक और इंडेक्स पास कर देता हूँ कि मेरे पास जो माइनस टू है सेकेंड लास्ट चैनल है उसकी फर्स्ट रो लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, हाँ यहाँ पर असल में जो गॉसियन है ये 3D एरे है ना, ठीक है। जब मैं माइनस वन करूँगा ना तो हमारे पास लास्ट चैनल आ जाएगा, हाँ चैनल आ जाएगा, हाँ इसको ये इस तरह आएगा ना कि ये पहले चैनल है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी उसके नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज है वो हाइट आ जाएगी, और उसके बाद उसकी बेल्ट है नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो कन्वेंशन है ये पाइथन के अंदर जो है ना वो वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा पैकेज यूज़ कर रहे हैं। तो जो CV2 है ओपन CV जो इमेज प्रोसेसिंग के लिए, उसके अंदर इसकी कन्वेंशन कुछ और है, बिलो के अंदर कुछ और है। तो ये वेरी करता है कि आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। और ये याद रखना पड़ता है कि इस पैकेज के अंदर ये कन्वेंशन आगे इमेज प्रोसेसिंग हम करते हैं थोड़ी सी तो उसमें थोड़ा अंदाजा हो जाएगा आपको। और ये सारा वही है, नेगेटिव इंडेक्सिंग है और बाकी सारी चीज़ें हैं। ये नोटबुक जो है ना वो आपके साथ शेयर हो जाएगी, तो आप इसको जो है ना वो रन करके भी देखिएगा। अभी क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है तो हमें प्लॉटिंग की तरफ जाना चाहता है। अच्छा अब इसमें जो जैसे लेस स्लाइसिंग है ना, ठीक है, इसमें भी स्लाइसिंग होती है लेकिन ये ज़्यादा एक्सटेंसिव है, ठीक है, ज़्यादा वास्ट है, इसके अंदर ज़्यादा फीचर है हमारे पास। लेस की जो स्लाइसिंग है वो इतनी ज़्यादा मतलब उसमें एबिलिटी नहीं है जितनी इसमें। अभी हमारे पास एक हमने रैंडम अरे बनाई थी टीचर्स की, तो अच्छा अब मैं कहता हूँ कि माइनस फाइव से क्या होगा लास्ट, हाँ ठीक है, जो फिफ्थ नंबर पे आखिरी वाले आखिर से फिफ्थ नंबर पे वो आ जाएगा, और वहाँ से लेके एंड तक मतलब स्टार्ट तक सारी वैल्यूज आ जाएगी। तो ये एक जो है वो अरे स्लाइस हो जाएगी हमारे पास। अब इसने ये जो कॉलर है ना बताता है कि कौन सी डायमेंशन में आ, ठीक है। तो इसका ये कन्वेंशन ये है कि पहले आता है लोअर फिर अपर और ये स्टेप, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो स्टेप है ना वो टू का रखो, लोअर और अपर पूरा पूरा जो भी इसकी साइज है पूरा। तो यहाँ पे क्या होगा वो स्टार्ट से शुरू करेगा और स्टेप से टू लेता हुआ एलिमेंट्स को ले आएगा फिर कर देगा। तो हमारे पास जो इसका साइज था वो था इसमें 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 5 आ गए, सही है। और यहाँ पर जो है वो 9, 10, 7, 22 हाँ एक एक वैल्यू आगे पीछे स्किप करता है। अच्छा इसमें अरे को रिवर्स करने का तरीका बहुत एफिशिएंट है, ठीक है, मतलब वी डोंट हैव टू लूप थ्रू और एनीथिंग लाइक दैट। आप कोई डेटा स्ट्रक्चर भी यूज़ करने की जरूरत है कि आप स्टैक या क्यू यूज़ करो उसको यूज़ करो। तो आप ये करते हो कि आपने स्टार्ट और एंड वो जितनी अरे का साइज है वो बता दिया, और मैंने जैसे कहा कि तुमने स्टेप जो है वो माइनस वन लेना, ठीक है, तो वो लास्ट से स्टार्ट करेगा और वो लास्ट से एलिमेंट्स को उसके अंदर अरे के अंदर शो कर देगा। सो इससे जो है वो सिंपल एक लाइन के अंदर आपकी जो पूरी अरे है वो रिवर्स हो चुकी है। हाँ मतलब वो डिस्प्ले कर रहा है उसको, मतलब मैं इसको सेव कर सकता हूँ किसी अरे में।
तो वो उसने रिवर्स ऑर्डर में सेव कर ले और यहाँ पर आप उसको ऑपरेशन करते हो जो भी आप परफॉर्म करते हैं आगे उसका मतलब अब जो ट्रेवर्स करना है आपने वो स्टार्ट करना है थ्री से लेके आपने जाना है एंड तक ठीक है और स्टेप साइज बाय डिफॉल्ट 1 होता है तो वो लास्ट हमारे पास 7 रिवर्स आते हैं यहाँ पर चेंज कर देते हैं ठीक है वो हाँ सही है और एक दफा डीजे यहाँ पर रहते हैं हाँ तो इसमें अच्छा अब नहीं उसको चेंज नहीं किया आपने एक मिनट डीजे जो मैं ऊपर आपको दिखा देता हूँ डीजे खुद ही बना देते हैं इसने यहाँ पर जो है ना वो उसकी कॉपी ही बनाई है डी कॉपी बनाई है नंपाई रेस में शायद इस तरह होता होगा लेकिन अगर आप लिस्ट में आते हैं तो वो रेफरेंस ही आती है क्योंकि हो गया वो अच्छा 3 रखा हो जाएगा 0 हाँ वो 3 कॉपी हो गया तो हाँ रेफरेंस ही है आप कॉपी करने के लिए आपको फिर वो एक पैकेज इम्पोर्ट करना पड़ेगा डी कॉपी का तो वो एग्जैक्टली कॉपी बन जाती है अच्छा अब ये इसका ट्रेवर्सल है बाकी डिफरेंट तरह के ट्रेवर्सल आप उसको देख सकते हैं और इस तरह अब आप स्लाइसिंग करके उसको एक स्लाइस असाइन भी कर सकते हैं ठीक है मैंने इसे कहा कि ये इंटीजर है ये एक -2 से यहाँ तक जाए ठीक है और उसको ये वैल्यूज असाइन कर दें तो आप एक चैनल को मतलब कोई भी स्लाइस करके उसको एग्जैक्टली एक स्लाइस असाइन भी कर सकते हैं तो इसमें ये भी पॉसिबल है बाकी ये टेंसर ऑपरेशन है ये अभी थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है तो अभी जो है ना वो नंपाई रेस चलता है उसकी बार्ट बैड प्रोडक्ट टाइम कम है लेकिन थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं इसको कि किस तरह होता है सो आपने इम्पोर्ट कर दिया मैट प्लॉट लिप से पाइप प्लॉट इम्पोर्ट कर लिया और यूजली कन्वेंशन यूज होती है कि PLT के नाम इसको जो है ना वो एलियस साइन कर लेते हैं अच्छा बाकी सारी चीज़ें हैं अच्छा यहाँ पर जो है ना मैंने एक फिगर बना लिया जिसके लिए मैंने सारे प्लॉट कर लिया ठीक है PLT.RC रो कॉलम पैराम्स और ये फिगर का नाम ठीक है और यहाँ मैंने बता दिया कि उसका साइज़ क्या रहता है ठीक है ये काइंड ऑफ ये एक डिक्शनरी है जिसको ये वैल्यू साइन हो चुकी है 10x8 तो अब हम ना एक बेसिक जो है ना वो एक लाइन स्पेस लेते हैं और उसके अंदर एक प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो मैंने किया np.linespace 0 से लेके 2π तक ठीक है np.py वही जो 3.14 लंबी सारी वैल्यू आ जाएगी और यहाँ मेरे पास मैं कहता हूँ मेरे पास 50 वैल्यूज होनी चाहिए ठीक है और मैंने ये वाली जो वैल्यू है x ये इस फंक्शन को पास कर दी np.sign तो फंक्शन में इससे होता है ना कि आप f(x) होता है जब जो भी वैल्यू x की पास करेंगे उससे कॉरेस्पॉन्डिंग एक y की वैल्यू आएगी तो मेरे पास एक लाइन स्पेस आई थी x की ठीक है वो मैंने सारी जो पूरी अरे है ना वो इसको पास कर दी या फिर जो मेरा y है ना वो भी एक अरे में एक अरे आ चुकी है हर x की वैल्यू की कॉरेस्पॉन्डिंग एक y की वैल्यू आ चुकी है और यही जो है ना ये नंपाई के ऑपरेशन होते हैं जो फास्ट होते हैं कि आप पूरी अरे के ऊपर सारे ऑपरेशन एक ही बारे में परफॉर्म कर देते हैं जो वेक्टराइज इसका जो है ना वो फैशन है जिसमें काम करती है तो आपके जो पूरा जो कोड है ना वो फुल सिमट जाता है और आपको फॉलोअप नहीं करना पड़ता अगर आप नंपाई यूज़ करते हो फॉलोअप कर रहे हो ना तो आप गुनाह कर रहे हो ठीक है क्योंकि नंपाई आपको इतनी फैसिलिटी देता है कि आप कभी लूप ना करो आप सारा जो है वो एक लाइन के अंदर वेक्टर ऑपरेशन से यूज करके आप भी काम कर सकते हो सारा तो मेरे पास ये एक
इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब ये इसका डिफाइन कर लेते हैं साइज, और यहाँ पर ये एक लगा लेते हैं। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हैं कि ये एक्स में क्या आ रहा है, वाई में क्या आ रहा है। सो हर एक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए हमारे पास एक वाई की वैल्यू आ चुकी है, और अब इसको जब आप प्लॉट करेंगे पी एल टी डॉट प्लॉट पर मैंने एक्स और वाई दोनों अरेज पास कर दी थी उसको, ठीक है, तो वो हर वो खुद ही उसको मैप कर देगा कि इस एक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग की वाई की वैल्यू है, तो वो इस तरह का प्लॉट आएगा हमारे पास। ये इसके बाद हम छोटा करें, ठीक है, अच्छा तो ये हमारे पास एक साइन का प्लॉट आ चुका है जिसमें जीरो के ऊपर उसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर उसके ऊपर एक मैक्सिमम वैल्यू है पाई के ऊपर, ये नेगेटिव ये 3π/2 है, यहाँ पर पाई है और ये 2π है, तो ये पूरी है हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू। अब इसका बाय डिफॉल्ट ये ब्लू कलर का आता है, तो अब इस प्लॉट का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट पास आगे कलर का, ठीक है, और ये सब चेंज हो जाएगा। अच्छा अब हमारे पास है ना वो जो भी लाइन ड्रॉ हो ना वो अगर आपने दो प्लॉट कर दें तो आपको पता होना चाहिए कौन सी लाइन जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किस अरे का प्लॉट है वो, ठीक है, तो इस तरह आप उसको लेजेंड देना कि वो हो सकता है आपको यहाँ पर ना एक और लगा देते, ठीक है, ठीक है, और एक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग एक दिया जाएगा। अब मैं यहाँ करूँगा कि एक तो ये प्लॉट है ना इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे प्लॉट कर दिया, मैं यहाँ कहता हूँ एक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग जी है, ठीक है, और यहाँ पर इसको कहता हूँ तो वो चलाया नहीं करेगा, ठीक है, और तो उसने एक के ऊपर ही जो मैं प्लॉट डिफाइन किया ऊपर, ठीक है, वो खुद ही आइडेंटिफाई कर रहा था पूरी नोटबुक के अंदर कि मैंने कौन सा वाला प्लॉट किया, उसके जो ऊपर पहले ग्लोबली डिफाइन हो चुका है, तो उसी के अंदर वो दूसरा प्लॉट कर देगा, ठीक है, तो ये जो कॉस का प्लॉट होता है ये एग्जैक्टली अपोजिट होता है आपके साइन के प्लॉट के, तो आप जो उसको देख सकते हैं। अच्छा ये कलर चेंज कर सकते हैं, और बाकी आप अब यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर एक और कर सकता हूँ कि ये इसके लिए लेजेंड साइन के खिलाफ है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मेरा कॉस का ग्राफ है उसके लिए इसको कहते हैं ये मेरा येलो कॉस, अच्छा इसमें ना मुझे एक्सेस देना होता है इसका होता है एक्स लेबल होता है, और यहाँ पर आ जाएगा नहीं एक यहाँ पर एक और पास कर देते हैं, तो आ जाएगा नहीं इसका ना लेजर्ड के लिए एक और तरीका होता है दोनों के लिए, वो नीचे नोटबुक में आएगा। अच्छा वो देख लेते हैं उसका, हाँ मेरे ख्याल इसको ना एंड में पड़ेगा, तो साइन के लिए जो आ गया हमारा रेड वाला और ब्लू वाला आ गया कॉस के लिए, ठीक है, तो इस तरह होना पता लग जाता है कि आप विजुलाइजेशन अच्छी हो जाती है कि कौन सा ग्राफ किस फंक्शन में। अब हमारे पास जो है ये सिंपल एक तो ये ग्राफ है लाइन का, हाँ ये लिखने का वो ऑर्डर सेम होना चाहिए ना, यहाँ पे अगर यहाँ क्रॉस कर दूंगा ना तो उसको नहीं पता कि वो क्या है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वो देखेगा कि पहले कौन सा प्लॉट हुआ फिर बाद में कौन सा प्लॉट हुआ, तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग को कलर असाइन कर देगा। अब ये जो प्लॉट है इसमें डिफरेंट तरह की शेप होती है, ठीक है, आप इसमें लाइन ये एक सिंपल लाइन वाला प्लॉट ना एक इस तरह होता है कि वो लाइन इस तरह की हो इस तरह से, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर जो है वो एट्रीब्यूट पास कर सकते हो जो बताएगा कि किस तरह ड्राफ्ट होगा। अब जैसे ये है यहाँ पर मैंने एक आर डैश कर दिया, ठीक है, और ये बी स्टार कर दिया, तो ये वाला जो है कि सिंपल प्लॉट होगा जो बाई डिफॉल्ट है, ठीक है, एक लाइन वाला,
यहाँ पर जरा वो अगर मैं इसको ये करता हूँ ना तो ये एक वो आ जाएगा स्टार आ जाएगा, ठीक है सही है। तो ये इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। अच्छा अब ये तो एक ये है लाइन ग्राफ एक जी ये वाला यार ये ना रिजेक्ट वाला है, ठीक है। तो ये इसमें जो आप पास करते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स पास करते वो रिजेक्ट्स में भी हो सकते हैं, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है उसमें बाकी उसको मतलब कन्वर्ट कर देता है जो भी उसने डिफाइन किया बैक एंड। अच्छा ये तो एक है सिंपल लाइन ग्राफ, एक होते हैं स्कैटर प्लॉट, ठीक है, जिसपे हमारे पास ना जो भी आपके डेटा पॉइंट्स है ना आप उनको डॉट की फॉर्म में जो है ना एक पॉइंट के फॉर्म में आप प्लॉट कर सकते हो। तो ये ना हम डेटा सेट जो है इसको करते हैं जो एक मिनट है डेटा सेट जो है इम्पोर्ट कर लेते हैं। इसमें सिंपल जो है वो एज का डेटा सेट है जिसमें सिर्फ दो कॉलम्स हैं, तो वो डेटा सेट थोड़ा सा फनी सा है लेकिन सही है। हमारे एक हस्बैंड की एज है उससे कॉरेस्पॉन्डिंग वाइफ की एज है, ठीक है। तो इसकी जो शेप है आगे है फनी बात थोड़ी। अच्छा तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 170 है, तो 170 कपल्स का डेटा है। अच्छा अब मैंने एज जो है उसमें कह दिया कि एज का जो वाइफ वाला कॉलम है, ठीक है, अब ये जो रीड हुआ है ये पैंडास का थ्रू हुआ, ठीक है। तो हमारे पास कॉलम वो एक डिक्शनरी में काइंड ऑफ जो है वो आप कॉलम एक्सेस कर सकते हो। तो ठीक है हमारे पास ये जो ये एक वैल्यू है ना 43 और 49 ये एक पॉइंट आ चुका है, ठीक है। तो वो इस तरह पॉइंट्स के फॉर्म में यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। तो 20 वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो आ जाएगा, 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो आ जाएगा। तो ये है कि वाइफ की एज की कॉरेस्पॉन्डिंग हस्बैंड की क्या एज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह जो ना स्कैटर प्लॉट कर सकते हो जिसमें PIT डॉट स्कैटर करके यहाँ पर आपने दो कॉलम पास कर देना सिर्फ, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे इसको ना उठा देगा। और ये मैंने लेबल असाइन कर दिया कि एक्स एक्सिस को मैंने लेबल ये है, ठीक है, और वाई एक्सिस को लेबल ये है, ठीक है। और आप जो ड्रॉ हुआ ना फिगर उसको सेव भी कर सकते हो इन एनी फॉर्मेट यू लाइक, ठीक है। PDF भी सेव हो जाता है, इमेज के फॉर्मेट सेव हो जाता है। और ये उसकी जो ना वो रेजोल्यूशन है कि प्लॉट की रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, तो इसको आप बढ़ा सकते हो कम रेजोल्यूशन। और आगे देखते हैं आप इसमें ना ये मतलब जुपिटर नोटबुक जो है ना ये काइंड ऑफ जो है वो बहुत फैंसी है एज कम्पेयर टू जो आपकी सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट है। तो आप इस पर एक ही सेल के अंदर ना आप कोई भी कमांड लाइन की जो है ना वो कमांड रन कर सकते हो। जैसे LS जो है ना वो होती है लिस्ट करने के लिए, आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर उसके लिए जो भी फाइल है ना वो लिस्ट हो जाती है इससे। तो ये अगर आप यूज़ करें ना इंटीग्रेटेड फॉर्म में तो बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा दोबारा जो है वो प्लॉट करते हैं, ठीक है, और ये हमारा प्लॉट है। अब हमने क्या करना है कि ना यहाँ पर ना अच्छा अब यहाँ पर ना एक आगे के अगली क्लासेस में आपने एक कॉन्सेप्ट लर्न किया लीनियर रिग्रेशन का, ठीक है। तो अभी सिर्फ ये समझ लें कि यहाँ पर ना एक प्लॉट है उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ हुई है सिर्फ, ठीक है। तो ये इस प्लॉट के ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन का क्या होता है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो इसमें कौन से वेरिएबल होते हैं, एम होता है और सी होता है आपका स्लोप और इंटरसेप्ट। तो मुझे पता मैंने स्लोप डिफाइन कर दी और एक इंटरसेप्ट डिफाइन कर दिया, ठीक है।
जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा ना एक्स और वाई के साथ, मतलब वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, तो एम इन टू एक्स होगा ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास ना दो वेक्टर्स आ जाएंगे ठीक है। और जब मैं इसको प्लॉट लाइन ड्रॉ करूंगा ना, तो इस प्लॉट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप हस्बैंड की एज बताए ना, तो वो बता देगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग वाइफ की एज क्या होनी चाहिए। तो ये आपकी लीनियर रिग्रेशन होती है कि आप एक वैल्यू लेके प्रेडिक्ट करते हैं दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये और आप प्रेडिक्ट करते हो ना, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, तो जाते कि करीब करीब इसकी वैल्यू होगी। अच्छा, और इस पे हाँ जी यहाँ पर जो वो मिनिमम एज है ठीक है, हस्बैंड की मिनिमम एज क्या है और मैक्सिमम एज क्या है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ना वो क्या वाइफ की एज आती है। अच्छा, और यहाँ पर जो है हमने तीनों मतलब फिट एक्स और फिट वाई जो हमारे दो वेक्टर्स से वो डिफाइन कर दिए, हमें बता दें कि किस एक्सिस के ऊपर क्या आ रहा है। यहाँ पर हस्बैंड की एज है या वाइफ की एज है, और ये जो डॉट्स एक रिप्रेजेंट करें डेटा पॉइंट, और ये जो लाइन है ये बता दें कि ये इन डेटा पॉइंट्स को ये किस तरह फिट करती है ठीक है। और आगे जो है हमारे पास बार प्लॉट होते हैं ठीक है, जिस तरह वो एक हिस्टोग्राम टाइप होता है ना, उस तरह का प्लॉट। तो अगर आपके पास दो रेंज है 20, 40 इस तरह, और आप एक रेंज लेते हो 0 से लेके 5 तक, और इस पर 2 का रेजिस्ट है, तो आप जो है ना वो इस तरीके से मैं इसको रन करता हूँ। अगर अभी आपको जो है वो काइंड ऑफ फेमिलियर नहीं है, तो इसलिए लग रहा है बहुत अजीब है ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप फेमिलियराइज हो देंगे जब, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तो सारा प्लॉट करना और उसको समझना ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो मैंने एक सब प्लॉट बनाया उसमें ठीक है, और सब प्लॉट के अंदर इसके अंदर ना सब प्लॉट जो होता है ना वो एक बड़ी सारी एक इमेज होती है ठीक है, उसके अंदर मैं बताता हूँ कि इसके अंदर इतने नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, इतने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। अगर मैं कहता ना इसमें दो रोज दो कॉलम होने चाहिए, तो इसका मतलब ये कि इस सब प्लॉट के अंदर नंबर ऑफ प्लॉट्स 4 आ सकते हैं ठीक है, तो वो एक इमेज के अंदर बाकी सारे इंटीग्रेट हो जाते हैं। अभी इसको देखते हैं वो किस तरह करते हैं ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले ये 4 डिफाइन कर लिए ठीक है, डेटा एल ए है और एस एफ है, और एक रेंज ले ली पोजिशन की, और एक विड्थ ले ली कि उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए उस प्लॉट की। तो ये मैंने उसको ए एक्स जो जो सब प्लॉट लिया है उसका जो उससे मुझे रिटर्न किया प्लॉट जो जिसके अंदर ये एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करते हैं बार वाला ठीक है, जो डेटा लेता है उस बार प्लॉट के लिए। उसके अंदर पॉज दे दिया, डेटा एल दे दिया, उसकी विड्थ डिफाइन कर दी, उसका लेबल डिफाइन कर दिया ठीक है, और आगे जो है पॉज प्लस विड्थ कर दिया, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से उसने यहाँ पर आना, उसकी विड्थ डिफाइन कर दी, दूसरा डेटा पॉइंट दे दिया, फिर उसकी विड्थ बता दी, और यहाँ पर बाकी जगह बता दिया कि इसके अंदर ये लेबल होना चाहिए। तो इस तरह का एक प्लॉट ड्रा हो गया बस ठीक है। अच्छा, पाई प्लॉट से आप लोग फेमिलियर हैं ठीक है, वही सर्कुलर होता है, उसमें डिवीजन होती है, तो यहाँ पर कुछ रेजिक्स कोड है ठीक है, तो उस रेजिक्स नहीं किए वो लेटेस्ट का कोड है ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ चीज़ खास नहीं है। अब आगे जो है वो चलते हैं इमेज पर। अच्छा, आप लोगों को इमेज प्रोसेसिंग का अंदाजा है, आप लोगों ने कभी इमेज रीड किया है क्या होता है? सो इमेज अगर आप देखते ना, कोई जो आपकी कलर्ड इमेज है वो एक 3D अरे होती है ठीक है, उस अरे की 2D अरे की 3 डायमेंशन होती है ठीक है। तो अगर आपकी एक एक इमेज है उसकी उसका साइज है 20x20, बहुत छोटी इमेज है, और वो RGB इमेज है, तो वो रहेगा कि 20x20 साइज के 3 अरेज होगी ठीक है, और वो एक दूसरे के पीछे बड़ी होगी। अब RGB है तो पहला चैनल R होगा, रेड का होगा, दूसरा चैनल होगा ग्रीन का ठीक है, तीसरा चैनल होगा ब्लू का। तो वो देखते हैं कि ये चैनल जो अगर आप प्रिंट करें तो वो किस तरह की इमेज आती है। अच्छा, ये प्लॉट्स हैं आप देख लीजिएगा सारे। अच्छा, अगर ये मैं इमेज रीड कर रहा था, ये एक RGB इमेज है ठीक है। अब RGB की इमेज के लिए कितने चैनल है? 3 चैनल है
तो मैं इंडिविजुअली, ये इसकी शेप है ठीक है, ये इसके नंबर ऑफ, इसकी ब्रेथ है, ये उसकी हाइट है, इसके नंबर ऑफ चैनल ये ठीक है, तो मैं इंडिविजुअली हर चैनल को प्लॉट कर सकता हूँ। अभी देखो तो मैंने सब प्लॉट नहीं किया है, जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज है, एक रो है, तीन कॉलम है ठीक है। अब उसी के उसी सब प्लॉट के अंदर वो बाकी सारी इमेजेस को प्लॉट करेगा। अब यहाँ पर मैंने इमेज का पहला चैनल ले लिया, मैं कह रहा हूँ सारी नंबर ऑफ रोज पकड़ो, सारी कॉलम पकड़ो और जो पहला चैनल है वो ले लो। तो ये पहला चैनल होगा आर का, मैं ऐसे कहता हूँ जो कलर कलर मैप है ना वो है रेड ठीक है, और ये दूसरा चैनल लिया उसका ग्रीन है, फिर तीसरा चैनल ब्लू, तो वो इस तरह की इमेज आ जाएगी आपके पास ठीक है। और ये जब तीनों इमेजेस एक दूसरे के पीछे आती है ना तब एक कलर इमेज बनती है। तो जो टू आपकी जो है ना इमेज वो असल में वो एक 2D है और उससे सिंपल क्या है, 0 से लेकर 2 तक वैल्यूज होती है बस, और कुछ भी नहीं होता। हमें लगता है कि इमेज पता नहीं क्या कोई भला चीज़ है ठीक है, लेकिन सिंपल वो एक 2D है और जिसके तक वैल्यूज है, वो भी जिनकी रेंज 0 से लेकर 255 तक है बस। अच्छा आप जो है आप इमेज आप खुद भी बना सकते हैं ठीक है, मैंने जैसे बताया कि आपके अंदर इमेज के अंदर सिर्फ वैल्यूज है, तो आपने क्या करना है एक 2D अरे लेनी है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज रखनी है ठीक है, रैंडम कोई वैल्यूज रख दें, जब उसको प्लॉट करेंगे ना ड्रॉ करेंगे तो वो एक इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी सिंपल। अब जैसे मेरे पास एक मैंने इमेज रखी है ठीक है, एक लाइन स्पेस लिया, उसको मैंने 20 स्टैक कर दिया ठीक है, मतलब 20 स्टैक का मतलब है कि वर्टिकल स्टैक कर दिया ठीक है, और जब उसके पास शेप प्रिंट करना वो है 2x2 की, और यहाँ पर ना मैं सिंपल एक प्लॉट लेता हूँ और इसको ड्रॉ करता हूँ, तो वो इस तरह की एक ग्रेडियंट टाइप आ जाएगा मेरे पास। तो अभी आप इससे आप लोगों को अंदाजा होगा कि इमेजेस कुछ भी नहीं है, इमेजेस सिर्फ वैल्यूज हैं और आप खुद भी इमेजेस बना सकते हैं। जैसे कंप्यूटर इमेजेस जनरेट कर सकता है, वो इसलिए कर सकता है क्योंकि वो वैल्यूज ही है, सिर्फ एक सीक्वेंस के साथ वैल्यूज है बस। और अब हम जो फिल्टर्स होते हैं हमारे पास, जैसे स्नैपचैट के लिए फिल्टर होते हैं, हमारे फोन के कैमरा के लिए फिल्टर होते हैं, जो फिल्टर्स होते हैं ना असल में ये मैट्रिक्स ऑपरेशंस होते हैं ठीक है। आप इमेज के साथ कुछ मैट्रिक्स के ऑपरेशंस करते हो या एक फिल्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका जो इमेज है ना वो कन्वर्ट हो जाता है ठीक है। अब जैसे मैंने कोई फिल्टर डिफाइन किया है जी, यूनिटी फिल्टर्स होते हैं हमारे कैमराज के अंदर, तो ये सिंपल वही वैल्यूज हैं और यहाँ पर ना मैं उनको सिर्फ मल्टीप्लाई करता हूँ ठीक है। मैंने एक इमेज लिया सही है, उसको डॉट प्रोडक्ट किया उस फिल्टर के साथ, तो वो क्या होगा कि एक बड़ी सारी इमेज होगी उसके ऊपर एक छोटा सा फिल्टर होगा जो पहले पहले एक पैच से मल्टीप्लाई होगा ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होता है इसमें जो है ना वो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन है, इसको कहते हैं हैडामर्ट प्रोडक्ट ठीक है। तो जो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन है फिर उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं और वो सिंपल जो है ना आपके दोबारा 255 के अंदर कन्वर्ट होता है, 0 से 255 के अंदर, और ये जो है ना आपकी इसको कहते हैं कॉन्वोल्यूशन ठीक है। जब आप फिल्टर से मल्टीप्लाई करते हो ना किसी भी इमेज को डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वो कॉन्वोल्यूशन होती है और इससे ना आपकी जो इमेज है उसकी जो वैल्यूज होती है वो बदल जाती है। अब हर फिल्टर की अपनी प्रॉपर्टीज होती है कि वो उसने वैल्यूज को किस तरह बदलना है ठीक है। अब जैसे ये फिल्टर डिफाइन किया हुआ था ना कि हर एक फिल्टर एक अलग वेरिएशन लेके था इमेज के अंदर, तो वो वेरिएशन जो है ना वो इस तरह की, एक जो है वो उसकी उसको कन्वर्ट कर देता है ग्रेस्केल इमेज के अंदर ठीक है, एक किसी और तरह के फीचर्स को इनहेंस कर देता है, दूसरा किसी और तरह के। अब जैसे कि ये जो इमेज है ये और इसका कंपेरिजन देखें कि कोई थोड़ी सी डल हो गई है, इसमें ग्रीनिश शेड आ रहा है, ये ब्राइट हो चुकी है, कि ये जो है वो ग्रेस्केल में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल मैंने जो है वो रीड करके उसको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन की है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, और उससे मेरी जो इमेज है वो इस तरह कन्वर्ट हो चुकी है ठीक है। और ये एक सब प्लॉट के अंदर इसको प्रिंट कर दिया। अब सब प्लॉट जो था उसके डायमेंशन वो उससे जो है ना वो एजेस जो है ना वो आ जाते हैं इमेज के ना, तो वो अब जैसे हमारे पास वो होता है अब कैमरे के अंदर तस्वीर लेना तो वो जो ये चेहरे के बाद थोड़े थोड़े निशान होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, तो वो सिंपल एक गॉसियन फिल्टर लगा होता है जो सारी जो है ना वो स्मूथ कर देता है वैल्यूज़ को ठीक है।
बाकी आप इसको इस तरह देखेंगे, ये जो आपके कैमरा के सारे फीचर्स हैं ना, ये सारे मैट्रिक्स ऑपरेशन है। आपने सिंपल एक फिल्टर बनाया जो कि जिसका साइज़ है 7x7 का या 5x5 का, और वही कन्वॉल्व हो रहा है और आपके जो है चेहरा बदल रहा है फुल। ठीक है, कोई तो सिंपल ये जो मैट्रिक्स ऑपरेशन है ये इस तरह के ही है मददगार से। तो आप लोगों को अब ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि कैमरे के फिल्टर किस तरह काम करते हैं या स्नैपचैट किस तरह काम करते हैं। वो इसी तरह ही काम कर रहा है, उन्होंने एक फिल्टर ढूंढा हुआ है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी इमेज बदल जाएगी, आपकी शक्ल बदल जाएगी और आप खूबसूरत हो जाएंगे। या अगर आपने गलत लगा दिया तो आप ये नोटबुक जो है ना वो अभी मैं शेयर कर देता हूँ, तो सारा जो है ना अपना इन्वायरमेंट बना के, बल्कि मैं इसके भी इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि इन्वायरमेंट किस तरह बनाना है पाइथन फाइल रन करने के लिए। तो ये सब लोग ना रन करके देखिएगा अपने पास।